आज हम बनाएंगे कस्टर्ड फ्रूट सलाद। लेकिन सबसे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके लिए हाफ लीटर दूध को बॉईल होने के लिए रख लीजिएगा। जब इस तरह उबाल आ रहा होता है, दूसरे बाउल में 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और 3 टेबलस्पून दूध डालकर बिना लम्स के मिला लेंगे। अब इस मिक्सचर को दूध में डालकर कंटिन्यूसली चलाते हुए मिलाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए, सिम से मीडियम एडजस्ट करते हुए। जो भी साइड्स में चिपक रहा है उसको हटाते हुए हम इस तरह मिलाते उबाल लेंगे। अब डालेंगे 1/2 कप शक्कर। शक्कर आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर से इसी तरह कंटिन्यूसली 5 से 7 मिनट के लिए, या फिर जब तक गाढ़ा ना बन जाए तब तक इसको उबाल लीजिएगा। फ्लेम को बंद करने के बाद पूरा रूम टेम्परेचर आने तक वेट कर लेंगे। तब तक हम फ्रूट्स कट करके रख लेंगे। फ्रूट्स में मैं ले रही हूँ पपाया, एप्पल, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, अनार, चीकू, वाटरमेलन और ऑरेंज। मैंने बनाना भी ऐड किया था जो मैं वीडियो निकालना भूल गई थी, सॉरी। ये सारे मैं 1-1 कप के हिसाब से ले रही हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रूट्स अगर आपको पास मैंगो अवेलेबल है तो उसको ज़रूर डालिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़े से काजू भी हम डाल देंगे। एक बार इसको अच्छे से मिलाकर हम फ्रिज में रख लेंगे लगभग 8 घंटे के लिए, और उसके बाद इसको ठंडा सर्व कर लेंगे। बन गया हमारा कस्टर्ड फ्रूट सलाद। ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।